आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जूनागढ़ गुजरात से पधारे श्री महंत शेरनाथ जी महाराज, सिद्ध शिरोमणि योगीनाथ बाबा क्रीड़ानाथ जी महाराज की इस पावन धराधाम को आयसों की कैलाशनाथ जी महाराज की इस परंपरा को आगे बढ़ाने वाले इस स्थान के वर्तमान योगी श्री ग्रीवानाथ जी महाराज, श्री महंत मंगलनाथ जी महाराज, मैंगलोरो कर्नाटक से यहां पर पधारे श्री महंत राधा निर्मलनाथ जी महाराज, श्री महंत लक्ष्मणनाथ जी महाराज, उज्जैन से पधारे श्री महंत रामनाथ जी महाराज, हमारे लोकप्रिय विधायक जिन्हें बाड़मेर की जनता ने पोकरण से इस बार विधायक बनाया है, महंत प्रतापपुरी जी महाराज, महंत रूपनाथ जी महाराज, महंत परशुराम पुरी जी महाराज, जोधपुर के महाराजा श्री गज सिंह साहेब और भारत सरकार के हमारे जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री, जोधपुर के लोकप्रिय सांसद श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, पाली के लोकप्रिय सांसद श्री पीपी चौधरी जी, हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, पूज्य संतजन और आज यहां पर आयसोगी कैलाशनाथ जी महाराज के पावन भंडारा कार्यक्रम में उपस्थित सभी श्रद्धालुजन, योगीराज सिद्ध शिरोमणि चिड़ियानाथ जी महाराज के इस पावन स्थली को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए उनके इस चरणों को प्रणाम करता हूं और आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, जब भी मैं राजस्थान की धरती में आता हूं, एक अलग ही ओज और तेज भक्ति और शक्ति के अद्भुत संगम के रूप में हम सबको यहां देखने को मिलता है। विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी परंपरा को कैसे सुरक्षित रखा जाना चाहिए, दुनिया देखने के लिए राजस्थान आती है। राजस्थान में जहां कहीं भी जाओ, हमारे सिद्धों योगियों संतों की इस पवित्र साधना से अलग अलग कालखंड में राजा महाराजाओं के शौर्य और पराक्रम से इस पूरी धराधाम में अद्भुत भक्ति और शक्ति के दर्शन हम सबको अध्यात्म के तेज से भी और वीरता के ओज से भी देखने को मिलते हैं और इसलिए बारंबार राजस्थान की इस पावन धरा को नमन करने का हम सबको एक लोभ हम स्मरण नहीं कर पाते और आज ये मेरा सौभाग्य है कि नाथ पंथ के वरिष्ठतम संत वरिष्ठतम योगी आयस योगी कैलाशनाथ जी महाराज के इस पावन भंडारा कार्यक्रम में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए आयस योगी गिरिवरनाथ जी को और अपने
अपने नाथ पंथ के वरिष्ठ संत श्री महंत योगी गंगानाथ जी महाराज को श्री मंदिर जालौर को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर प्रदान किया। योगियों सिद्धों की एक लंबी परंपरा हमारे यहां जिन्होंने विज्ञान को चुनौती दी, भौतिकता के बंधनों से ऊपर उठ करके जिन्होंने जीने का एक राह दिखाई, सनातन धर्म के वास्तविक मूल्यों को जिन्होंने हमें साक्षात दर्शन करवाए, उन सिद्धों और योगियों के कार्यक्रम में उनकी पावन धरा में जाने का सौभाग्य प्राप्त हो तो जन्म और जीवन दोनों को व्यक्ति धन्य महसूस करता है। और आज यहां पर सिद्ध चढ़ियानाथ जी महाराज की इस पावन धरा पर आकर के मुझे उस प्रकार के आध्यात्मिक तेज को जानने और देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है जिसका एक मूर्त रूप आप सबकी उपस्थिति के रूप में मुझे यहां देखने को मिला। बहनों भाइयों, हम सबको एक बात को ध्यान में रखना होगा, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं लेकिन हर राह मंजिल तक पहुंचती है, हर राह मंजिल तक पहुंचती है, बशर्ते हमने राह सही चुनी है। और ये राह वही है जो हमारे सिद्धों ने, हमारे संतों ने, हमारे योगियों ने हम सबको दिखाई है। सनातन धर्म उसका एक विराट रूप है जो सबको अपने अंदर समाहित करता है और सनातन धर्म के उन मूल्यों के प्रति हम सबका आग्रह होना चाहिए। धर्म एक ही है और वह सनातन धर्म है। बाकी उपासना कितना हो सकती है, पंथ हो सकते हैं, संप्रदाय हो सकते हैं, हर देश हर काल हर परिस्थिति में जो अपनी जीवंतता को बनाए रखा है बिना टिके बिना हटे बिना झुके